जी हेलो नमस्कार, स्वागत एक बार फिर से आप सभी का आपके ही अपने मौसम समाचार के इस वीडियो में। जी हाँ, आप जानेंगे अपने शहर, अपने गांव, अपने कस्बे की मौसम की ताज़ा अपडेट। जी अगर आप देश के किसी भी हिस्से से इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो पर एक प्यारा सा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर करें। जी अगर आप देश से जुड़ी हुई मौसम की ताज़ा अपडेट पाना चाहते हैं तो प्लीज़ TR न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिले। जी हाँ, हम आपको बता दें अगर आप देश के किसी भी हिस्से की मौसम की ताज़ा अपडेट पाना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में हमें अपने राज्य का नाम अवश्य लिखें ताकि हम आपको आपके राज्य की मौसम की ताज़ा अपडेट तुरंत दे सकें। जी हाँ, चलिए शुरू करते हैं क्या रहेगा आज का मौसम का ताज़ा अपडेट। इन राज्यों में 16 अक्टूबर तक बारिश की संभावना बनी हुई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने इस सप्ताह दक्षिण भारत में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। IMD के अनुसार उत्तरी अंडमान सागर और आस पड़ोस के ऊपर मुख्य समुद्र तल से 3.1 किलोमीटर तक फैला चक्रवाती पंचसंजरण बना रहता है। चक्रवाती पंचसंजरण के प्रभाव में आज 14 अक्टूबर को बंगाल की पूर्व मध्य खाड़ी और उससे सटे उत्तरी अंडमान सागर के ऊपर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। सिस्टम पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेगा और दक्षिण उड़ीसा उत्तर तक पहुंच जाएगा। 15 अक्टूबर के बाद आसपास आंध्र प्रदेश एक अच्छी तरह से चिन्हित कम दबाव वाले क्षेत्र के रूप में है। IMD ने कहा है कि अगले 3 दिनों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा की गति के साथ चक्रवाती पंचसंजरण के परिणाम स्वरूप अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। केरल, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव से केरल में अगले 4 दिनों तक भारी बारिश के आसार हैं। वहीं IMD ने राज्य के 6 जिलों के लिए 14 और 15 अक्टूबर को भारी बारिश की भविष्यवाणी करते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञानी कोल्लम, पठानमथिट्टा, आलूझुट्टा और कोयट्टायम, एर्नाकुलम और इडुक्की जिलों में 3 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस बीच तिरुवनंतपुरम, पलक्कड़, पल्लीपुरम और कोझिकोड जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। येलो अलर्ट 6 से 11 सेंटीमीटर के बीच भारी बारिश दर्शाता है। कर्नाटक IMD ने अगले 5 दिनों के लिए तटीय क्षेत्र बेंगलुरु सहित दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। भारी वर्षा एक चक्रवाती परिचलन शुरू होती है जो वर्तमान में पूर्व मध्य अरब सागर से ऊपर स्थित है। तमिलनाडु के सलेम, धर्मपुरी, कृष्णानगी, इरोड, नीलगिरी और कोयम्बटूर में आने वाले दिनों में थेनी और डिंडीगुल के दक्षिणी आंतरिक जिलों के साथ बारिश होने की संभावना है। तमिलनाडु में इस साल अपनी मौसमी औसत से 17% ज़्यादा बारिश हुई है। तमिलनाडु में 1 से 11 अक्टूबर के बीच 94.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है जो इस अवधि में औसत से 81% अधिक है। इसके अलावा IMD ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अलग अलग स्थानों पर बिजली और तेज हवा जिसमें 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के साथ आंधी और कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, माहे, त्रिपुरा, तटीय आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप और तमिलनाडु, पांडुचेरी और कराईकल 16 अक्टूबर शनिवार तक उत्तर में अलग अलग स्थानों पर बिजली गिरने की भविष्यवाणी की है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून जो गुजरात और महाराष्ट्र सहित उत्तर पश्चिम भारत के विभिन्न हिस्सों से पहले ही वापस आ चुका है और यहाँ तक कि पूर्वी भारत जिसमें उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और मणिपुर भी शामिल है। ज्यादा देश से जुड़ी हुई मौसम की ताज़ा अपडेट। मिलते हैं आप सभी को अगले वीडियो में, तब तक TR न्यूज़ के साथ बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिले। जी हां, जय हिंद, जय भारत।